नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वीवो के एक लेटेस्ट डिवाइस के बारे में। या दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपसे वीवो के वीवो T1 4G वाले वेरिएंट की। दोस्तों, इस फ़ोन में एक नया अपडेट दे दिया गया है। दोस्तों, आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करूंगा कि ये जो अपडेट है ये कंपनी ने क्यों दिया है और दोस्तों इस अपडेट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो मैं दोस्तों इसी अपडेट के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी अपडेट दोस्तों ऐसे होते हैं जो हमारे फ़ोन में अपडेट होने के बाद हमारे फ़ोन में कुछ गड़बड़ भी कर जाते हैं और कुछ अपडेट दोस्तों हमारे फ़ोन को फिक्स जो प्रॉब्लम होती है उन्हें फिक्स कर देते हैं। तो आपको ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, यही दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए चलते मेन टॉपिक पर और मैं आपको इसी अपडेट के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस अपडेट के साइज़ की। दोस्तों, ये जो अपडेट है ये 260 MB के समथिंग का है। तो दोस्तों, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और काफ़ी छोटा भी नहीं है। तो अगर आपको ये अपडेट करना होगा तो आप नॉर्मली तरीके से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। 260 MB कोई ज़्यादा नहीं होती। अब मैं दोस्तों आपसे बात करता हूँ कि इस अपडेट में हमें मिलता क्या है और ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस अपडेट को जब आप करोगे तो आपके कैमरे के जो सेटिंग है दोस्तों, वो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा पहले से मुताबिक, क्योंकि इस अपडेट को करने के बाद आपके कैमरे में HDR फोटो आप अपने फ्रंट कैमरे से ले सकते हो। ये एक सिस्टम इसमें दिया गया है। और दोस्तों, जब आप अपने फ़ोन को किसी वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हो तो उसमें जो इशू आ रहे थे छोटे मोटे, वो दोस्तों फिक्स कर दिए गए हैं नेटवर्क को लेकर। और दोस्तों, छोटे मोटे और भी दो तीन बक्स आ रहे थे बैटरी वगैरह को लेकर, वो भी इसमें फिक्स कर दिए गए हैं। और इसका दोस्तों जो सिक्योरिटी पिच लेवल है वो कर दिया गया है जून मंथ का, जो कि दोस्तों अभी तक हमें सैमसंग के काफ़ी महंगे डिवाइसों में देखने को नहीं मिला। जो मेरे पास दोस्तों OnePlus 9 Pro है, इसमें भी दोस्तों मुझे कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है अभी तक जून मंथ का सिक्योरिटी पिच लेवल वाला, जबकि हमें वीवो का दोस्तों T1 है उसमें हमें दे दिया गया है, देखने को मिल रहा है। तो ये अपडेट जो है ये दोस्तों इसीलिए दिया गया है जिससे दोस्तों आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो अच्छे से चल सके और कैमरे क्वालिटी बैटरी को लेकर जो दिक्कत आ रही थी वो दोस्तों फिक्स हो सके। तो अगर आपके पास ये अपडेट आ चुका है तो आप फटाफट से कर लो, मैंने तो दोस्तों कर दिया, और अगर आपके पास आया तो फटाफट से कर लो। और दोस्तों, अपडेट करने के बाद आपको अपना फ़ोन एक बार स्विच ऑफ करना है, उसके बाद चालू करना है। उससे क्या होगा कि जो भी हमें नए नए फीचर्स या फिर जो भी हमें नए सेटिंग हमें मिलेंगी वो दोस्तों अच्छे से वर्क करेंगी स्विच ऑफ करने के, जब आप स्विच ऑफ करोगे फ़ोन को और दोबारा अगेन चालू करोगे तो अच्छे से वर्क करेंगी। दोस्तों, समझ सकता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।